हेलो गाइस, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल SS बिंधानी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड 3123 टिपर है, तो उसका प्रॉब्लम यह आ रहा है कि ईडी से लाइट आ रहा है और ऑयल सिग्नल दिखा रहा है। तो किस लिए दिखा रहा है? चलिए सबसे पहले इग्निशन ऑन करते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे, देख सकते हैं स्टार्ट करने के बाद ऑयल सिग्नल आ रहा है। तो ऑयल सिग्नल किस लिए आता है उसका बारे में आज जानेंगे। और उसके बाद ईडी सी लाइट भी आ रहा है, ईडी सी लाइट ऑयल लो ऑयल प्रेशर सिग्नल, तो उसका बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एरर कोड क्या आ रहा है कंट्रोल डाल के चेक करेंगे। इस कंट्रोल का कनेक्टर है तो ओबीडी में उसको कनेक्ट करेंगे। हाँ गाइस, और एक बात है, अगर मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसी रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी व्यू डीटीसी करेंगे। व्यू डीटीसी करने के बाद एक्टिव एरर कोड आ रहा है P0524। तो ये मिनिमम ऑयल प्रेशर सिग्नल दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जनरली चेक करेंगे ऑयल कितना है इंजन में, उसको पहले चेक करेंगे इंजन ऑयल कितना है। तो ये ऑयल गेज है, सामने में ये रहता है। तो ये स्टार्ट किए थे तो पूरा काला हो गया है, पूरा ऑयल भीजा हुआ है, तो इसका साफ करके फिर से चेक करेंगे। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, देख सकते हैं ऑयल गेज मतलब टोटल जीरो है, मतलब ऑयल सिग्नल नहीं दिखा रहा है कितना है हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग ऑयल टॉप अप करेंगे। तो ये ऑयल कैप है इंजन का, ऊपर लगता है, तो इसको सबसे पहले खोलना है। उसके बाद इसमें ऑयल हम लोग टॉप अप करेंगे, टॉप अप करने के बाद चेक करेंगे। तो ऑयल टॉप अप हो चुका है अभी। तो अभी हम लोग उसका जो कैप अच्छे से साफ कर देंगे, क्योंकि ऑयल डाल गया था थोड़ा, तो अच्छे से साफ करके ऑयल कैप का फिटिंग करेंगे। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। हो गया, डाल लिए। गेज निकाल के देखे? हाँ देखो, स्टार्ट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे ऑयल गैस ऑयल का जो सिग्नल है अब बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बाद अगर बंद नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस चेक करेंगे। तो सबसे पहले अभी स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट करने के बाद नो ईडीसी लाइट, नो ऑयल सिग्नल लाइट, कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली चेक करेंगे, बेसिकली क्या है ना, ऑयल नहीं रहने से भी ऑयल प्रेशर नहीं दिखाएगा, तो उसके वजह से भी एरर कोड आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जेन्युइनली चेक करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर सेंसर वायरिंग और सब चेक करेंगे। तो फाइनली हम लोग का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है।
तो अभी हम लोग का जो एरर कोड था सबको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा टेस्ट ड्राइव करेंगे और नेक्स्ट एरर कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी देख सकते हैं एक्टिव एरर कोड कुछ भी नहीं है, रहने से प्रॉब्लम है, इनएक्टिव होने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी थोड़ा हम लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे। हाँ गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।